हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं बैठा हूँ अपनी जीप कंपस में और हम लोग जा रहे थे जीप के सर्विस सेंटर। अब जीप के सर्विस सेंटर हम एक नॉर्मल सर्विस करवाने नहीं जा रहे हैं, हमें ना बेसिकली इस गाड़ी में एक इशू फील हो रहा है तो वही हम दिखाने जा रहे हैं। तो इशू बेसिकली क्या है, जब हमने ये गाड़ी ली थी ना, वो इशू तब से ही है, मतलब लगा लो वो इशू हमें एक महीने बाद से फेस होने लग गया था। अब इशू ये है कि इसका जो क्लच है ना, वो क्लच जैसे हम जब दबाते हैं क्लच को एंगेज करने के लिए, तो वो दब के ना ऊपर नहीं आता है, ये अटका रह जाता नीचे ही। तो ये चीज हमारे साथ 5-6 बार हो गई। अब पहले जब शुरुआत में एक महीने पहले पहली बार जब ये हुई थी ना, ट्रैफिक में हुई थी, तब हमने जीप वालों को बोला था, तो तब तो उन्होंने बोल दिया था कुछ नहीं है सर, चलाओ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मैट में अटक गया होगा या ये सब उन्होंने बोला था। लेकिन अब ये चीज 5 बार हो गई और वो मैट में अटका नहीं, हमने देख लिया हर बार। तो अब हमें यही लग रहा है कि कहीं इसका जो मास्टर सिलेंडर है उसमें इशू ना हो, बिकॉज भाई क्लच जो है एक महीने पहले तो चले नहीं जाता ना नई गाड़ी का, जब नई गाड़ी ली है तब तो क्लच जाता नहीं है। तो जब अगर क्लच उस समय ठीक था तो तब ये इशू नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये मास्टर सिलेंडर का इशू है। प्लस दूसरी बात ये है कि इसका क्लच तो अभी भी ठीक है, ये गाड़ी नॉर्मल ही चल रही है, इसमें कोई पावर ड्रॉप नहीं है, ना ही इसमें कोई वो है कि सेकंड गियर पे या थर्ड गियर पे उठने में झटके मार रही हो, नॉर्मल जैसे चलती है गाड़ी वैसे ही चल रही है। जस्ट ये है कि वो क्लच जो है ना वो अटक जाता है ना, जो 5 बार अटक चुका है वो इसको चेक करवाए कि मास्टर सिलेंडर की दिक्कत तो नहीं है कहीं, तो वही चेक करवाएंगे। बिकॉज कंपनी वालों को क्या होता है ना, वो जनरली ना मानते नहीं है जो वारंटी में चीज होती है ना उसको चेंज करने के लिए, वो करते हैं कि सर आपका क्लच ही खराब है वो चेंज करा लो, बिकॉज वो वियर एंड टियर का पार्ट है, उसमें हमारे ही पैसे लगने हैं। तो हम थोड़ा सा जाके दिखाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि चेक करो पहले ये चीज, और अगर वो खराब होगा तो हम चेंज कराएंगे वारंटी में, बिकॉज ये वारंटी का पार्ट है, और अगर वारंटी से बाहर हो जाएगी तब तो ये बोल देंगे फटाफट कि मास्टर सिलेंडर खराब है। तो अभी वहीं चलते हैं और फिर देखते हैं क्या इशू है। तो गाइस पहुंच गए हैं जीप के सर्विस सेंटर, हम लोग आए अपना लैंडमार्क जीप जो है ना अब गुड़गांव वाला, ये देखो आपको दिख रहा होगा, इसके सर्विस सेंटर पे आए हैं और हमने बात बात करी, हमने अपॉइंटमेंट पहले ही ले रखी थी। तो अब वो बोल रहे हैं कि एक बार पहले रोड टेस्ट करके देखेंगे आपकी गाड़ी का, रोड टेस्ट करेंगे फिर उसके बाद बताएगा बंदा कि उसे क्या प्रॉब्लम लग रही है, और फिर हम बताएंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम लग रही है, फिर उस हिसाब से आगे फिर प्रोसीड होंगी चीजें। तो देखते हैं आगे क्या रहता है, अभी तो यही है, अभी पहले इसका रोड टेस्ट होगा, रोड टेस्ट के बाद जो उस बंदे को लगता है वो ये बताएगा और हमें क्या लग रहा है वो हम बताएंगे। फिर हमने वैसे अपनी क्वेरी तो दे दी है, तभी वो कह रहे हो एक बार रोड टेस्ट करके देखेंगे गाड़ी का, तो देखते हैं क्या रहता है। चलो फिर आगे आपको आगे का अपडेट देता हूँ। तो गाइस उन्होंने चेक कर लिया है गाड़ी को और उन्होंने बता दिया इशू उन्हें क्या लगा, उन्होंने थोड़ा सा मतलब सारे गियर लगा के देखे और चेक करा फिर, और उन्हें भी वही लग रहा है जो इसकी क्लच असेंबली है ना उसमें दिक्कत है, और वो यही बोल रहे हैं वो पूरी क्लच असेंबली जो है इसकी चेंज होगी। तो वही चीज़ है, हमें भी वही चीज़ लग रही थी, बिकॉज काफ़ी टाइम से इशू आ रहा था, बहुत शुरुआत से ही आ रहा था, जब से हमने ये गाड़ी ली थी तब से ही इशू आ रहा था, और उन्होंने भी यही बोला है कि ये क्लच असेंबली का इशू है और ये कंपस में आता था पहले, जनरली पहले आता था काफ़ी, बट बाद में रिजॉल्व किया था, लेकिन ये अभी भी इसमें आ रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि वही क्लच असेंबली चेंज होगी जो वारंटी में है, तो वही चेंज करेंगे वो क्लच असेंबली, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। अभी पार्ट है नहीं तो वो पार्ट ऑर्डर पे आएगा, देखते हैं कितने दिन लगते हैं आने में, तो उसके बाद मैं आगे इस वॉक को फिर कंटिन्यू करूंगा फिर जब चेंज होगा। अभी तो खैर ले जा रहे हैं गाड़ी को, बिकॉज अभी तो चल सकती है, चल तो रही है नॉर्मल, बट वही है जो क्लच बीच बीच में अटक जाता है वो चीज़, तो इसकी क्लच असेंबली ही चेंज होगी। तो देखते हैं क्या रहता है, अभी निकलेंगे यहाँ से फिर उसके बाद। तो अभी तो यही अपडेट है भाई कि इसकी क्लच असेंबली चेंज होगी और वारंटी में ही चेंज होगी, आगे का आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए बाय।